हॉलीवुड से ताल्लुकात रखने वाली ऐसी एक्ट्रेस जो सिर्फ अब हॉलीवुड में नहीं बल्कि हमारे देश में भी जानी जाती हैं अपनी जबरदस्त एक्टिंग के कारण, साथ ही डीसी यूनिवर्स की सबसे पॉपुलर मूवीज में से एक सुसाइड स्क्वाड का हिस्सा रही एक्ट्रेस मार्गोट रॉबी, जो हाल ही के दिनों में नजर आई हॉलीवुड मूवी बारबी में। कैसा स्ट्रगल रहा अब तक मार्गोट रॉबी का लाइफ में, एक नजर मार्गोट रॉबी की लाइफ पर, उनसे हम क्या क्या सीख सकते हैं, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के शहर क्वींसलैंड डेल्बी में जन्मी मार्गोट रॉबी 2 जुलाई 1990 को डग रॉबी एंड सैरी केसलर के घर। मार्गोट अपने 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर सबसे छोटी थी। जब वह सिर्फ 5 साल की थी उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, जिसके बाद उनकी और उनके भाई बहनों की देखभाल उनकी मदर ने अकेले ही करी। मार्गोट का इंटरेस्ट एक्टिंग एंड ड्रामा में काफी यंग एज से ही था। वह जब हाई स्कूल में थी मार्गोट सोमरसेट स्कूल से ड्रामा की पढ़ाई कर रही थी, जिसके दौरान ही मार्गोट ने एक्टिंग में भी अपना कदम रख लिया था और वह हिस्सा रही थी 2 लो बजट मूवीज का, विजिलेंट एंड आईसीयू का। अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद कुछ टीवी कमर्शियल्स और 2 मूवीज का हिस्सा बनने के बाद वह मेलबोर्न शिफ्ट हो गई। मार्गोट ने अपना टीवी डेब्यू साल 2008 में करा एज अ गेस्ट रोल ड्रामा सीरीज सिटी होमिसाइड में, जिसके बाद वह सिर्फ 2 एपिसोड्स के लिए ही हिस्सा रही बच्चों के टीवी शो द एलिफेंट प्रिंसेस में। मार्गोट किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए मीडिया से जुड़े लोगों की एडवाइस पर रेगुलरली फ्रमेंटल मीडिया से कॉन्टेक्ट करती रहती थी, जिसके ही दौरान उनकी मुलाकात जैन रस कास्टिंग डायरेक्टर से हुई, जो उन दिनों ढूंढ रही थी एक एक्ट्रेस को कास्ट करने के लिए गेस्ट रोल में टीवी सीरीज नेबर्स में, जिसके बाद रस ने मार्गोट को कहा ऑडिशन देने के लिए, जिसमें वह ना सिर्फ सेलेक्ट हुई बल्कि उनका रोल गेस्ट रोल से सीधा परमानेंट कास्ट कर दिया गया, जिसके बाद 2008 में उन्होंने अपना प्रॉपर डेब्यू करा टीवी सीरियल नेबर से, जिसमें मार्गोट ने डोना फ्रेडमैन का रोल प्ले करा, जिसका वह हिस्सा रही 2008 से 2011 तक, जिसके दौरान वह नॉमिनेट हुई थी 2 बार लोगी नॉमिनेशन में, जिसके बाद वह मेलबोर्न से अमेरिका शिफ्ट हो गई। साल 2011 में वह फिर हिस्सा बनी पीरियड ड्रामा सीरीज पैन एम का। सीरीज शुरुआत में तो काफी अच्छी रही, लेकिन सिर्फ अपने पहले सीजन के बाद ही वह कैंसिल हो गई रेटिंग्स गिरने के कारण। मार्गोट के करियर का सबसे बड़ा ब्रेक उन्हें 2013 में मिला मूवी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट के कारण, जिसमें वह स्क्रीन शेयर करती दिखी लियोनार्डो डी कैप्रियो के साथ। मूवी में उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया, खासकर उनके ब्रुकलिन एक्सेंट के कारण, जिसकी वजह से वह नॉमिनेट की गई थी MTV मूवी अवार्ड फॉर बेस्ट ब्रेकथ्रू परफॉर्मेंस एंड सम्मानित करी गई थी एम्पायर अवार्ड्स में फॉर बेस्ट न्यूकमर। लेकिन मूवी से मिली फेम एंड अटेंशन के कारण वह एक्टिंग ही छोड़ना चाहती थी, लेकिन वह कंटिन्यू करती रही सिर्फ अपनी मदर के कहने पर, जिसके बाद वह हिस्सा बनी साल 2015 में विल स्मिथ के अपोजिट मूवी फोकस में, जिसके बाद वह 2016 में हिस्सा रही डीसी यूनिवर्स की मूवी सुसाइड स्क्वाड में, जिसमें उन्होंने हार्ली क्विन का रोल प्ले करा, जिसको प्ले करने वाली वह पहली एक्ट्रेस बन गई थी। साल 2014 में मार्गोट ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरुआत करी थी लकी चैप एंटरटेनमेंट टॉम एकर्ली जोसी मैकनमरा सोफिया कर के साथ मिल करके, जिसके बाद साल 2017 में आई मूवी आई तान्या उनके ही प्रोडक्शन हाउस की पहली प्रोड्यूस मूवी बनी, जिसमें उन्होंने स्केटर तान्या हार्डिंग का ही रोल प्ले करा, जिसके लिए मार्गोट ने तान्या की ही तरह एसेंड लाने के लिए भी काफी समय तक स्पीच ट्रेनिंग करी एंड स्केटिंग भी सीखी सारा क्वारा की गाइडेंस में। आई तान्या में की गई उनकी एक्टिंग के कारण भी वह नॉमिनेशंस एंड अवार्ड से सम्मानित करी गई थी एकेडमी अवार्ड्स में, बेफ्टा अवार्ड्स में, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स एंड क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड्स में एज बेस्ट एक्ट्रेस। समय समय पर वह कई ऐसी और भी मूवीज का हिस्सा रही हैं, जिससे वह बार बार साबित करती रही हैं कि उनमें एक्टिंग टैलेंट कूट कूट कर भरा है, जैसे मैरी क्वीन ऑफ स्काउट्स,
बॉम्बशेल, वंस अपॉन टाइम इन हॉलीवुड, बर्ड्स ऑफ प्रे, एम्स्टरडम एंड बेबीलोन। हाल ही में वह हिस्सा रही है इस साल आई मूवी बार्बी का। मार्गोट आज सिर्फ अपनी एक्टिंग के कारण ही नहीं पसंद और फॉलो की जाती है, वह जानी भी जाती है अपने फिलैंथ्रोपी वर्क्स के लिए, जो वुमन एम्पावरमेंट, ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी जैसे मुद्दों को खुलकर सपोर्ट करती हैं। आज वह जिस पोजीशन पर है सिर्फ अपनी मेहनत और टैलेंट के कारण। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर, साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।